हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपए महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीने में होगी कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपए महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।